आर्थिक सुधारों के जनक देश के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 81 साल के हो गए। अमूमन कम बोलने वाले चिंतक और अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ। डॉक्टर सिंह की शैक्षणिक यात्रा पंजाब विश्वविद्यालय से होते हुए कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तक पहुंची। उसके बाद मनमोहन सिंह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अनेक प्रशासनिक दायित्वों, मसलन योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के गवर्नर और यूजीसी के चेयरमैन पद को भी डॉक्टर सिंह ने सुशोभित किया। उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत तब हुई जब देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। तब नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री का जिम्मा दिया गया। डॉक्टर सिंह ने बिना वक्त गवाए देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मनमोहन सिंह ने 1998 से 2004 के बीच उच्च सदन राज्यसभा में विपक्ष के नेता का दायित्व भी बखूबी संभाला। 2004 में जब यूपीए सरकार की नींव रखी जा रही थी, मनमोहन सिंह की प्रशासनिक दक्षता को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का फैसला लिया। अपने पहले कार्यकाल में मनरेगा और सूचना अधिकार जैसे अनेकों महत्वाकांक्षी योजनाओं और अपनी ईमानदार और साफ सुथरी छवि के सहारे मनमोहन सिंह ने यूपीए की नैया पार लगाई। इससे पहले 2008 में अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील पर हस्ताक्षर करके प्रधानमंत्री सिंह ने खूब चर्चा बटोरी और अपनी सरकार को दाव पर लगा दिया, लेकिन सहयोगी दलों के समर्थन के चलते विश्वास मत के दौरान यूपीए को कामयाबी हाथ लगी। मनमोहन सिंह ने 22 मई 2009 को लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अपने दूसरे कार्यकाल में खाद्य सुरक्षा कानून और भूमि अधिग्रहण कानून समेत अनेक उपलब्धियों के सहारे डॉक्टर सिंह अपना कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद वो तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें इतने लंबे समय तक हुकूमत करने का मौका मिला है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली।